आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी एमपी में एक ऐसा गांव है जहां के बाशिंदे आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। एमपी के सतना और पन्ना जिले के बीच एक ऐसा गांव है जो आजादी के 75 साल बाद अपनी आवश्यकताओं के लिए तरस रहा है। पहाड़ की वादियों में बसा महगांव बारहों जिलों में मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है, जिसे पार करके लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए रोजमर्रा की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को आश्वासन ही मिला है। यहां के लोग सिर्फ नेताओं के आश्वासन के भरोसे अपनी पीढ़ियों को खो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार के जिम्मेदार लोग इन लोगों की समस्याओं को सुनने के बजाय सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हमारे नॉलेज में तो ये ऐसा कोई विजिट है नहीं, क्योंकि आपके नॉलेज में है तो हमें बताइए, और अगर आप वहाँ पर गए हैं तो हमें वीडियो वगैरह दिखाइए, हम कोशिश करेंगे समाधान करने का। लेकिन ये दूसरे जिले से आ रहे हैं तो हम संबंधित जिले के अधिकारी को अपने कलेक्टर के माध्यम से लिखेंगे। गाँव में अगर कोई बीमार हो तो मौत की पहाड़ी में खटोला बनाकर उसे इलाज के लिए सतना जिले के अमदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन गांवों में न कोई इलाज के साधन हैं और न ही कोई ऐसी व्यवस्था कि गांव में लोगों का इलाज हो सके। ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोगों ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इस बारे में अवगत नहीं कराया, इस घाटी के विकास के बारे में न बताया हो, लोगों को सिर्फ मिला तो आश्वासन, उसके अलावा कुछ नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज़।